नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। आइए नजर डालते हैं प्रदेश भर की बड़ी खबरों पर। खबरें फटाफट में। चंबा में एक व्यक्ति ने रावी में लगाई छलांग, नदी की तेज धारा से बहकर हुआ लापता, पुलिस ने छेड़ा सर्च ऑपरेशन। बुलेट तिरंगा यात्रा से एकता का संदेश, राजलक्ष्मी मंदा ने तमिलनाडु से मनाली तक तय किया 4,450 किलोमीटर का सफर। पीएचसी स्वार घाट में मरीजों को बड़ी सुविधा, ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट मिलने से दूर होगी दिक्कत। रक्षाबंधन को लेकर राखियों से सजे बाजार, गिफ्ट आइटम और मिठाई की दुकानें भी सजी, दुकानदारों को खरीद के लिए भीड़ जुटने का इंतजार। सोलन की पडग पंचायत के जराई गांव की चारू शर्मा बनी डीएसपी, भारत के संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में हासिल किया 204वां रैंक। हिमाचल प्रदेश में तापमान में लगातार बढ़ोतरी, अब 20 अगस्त से मॉनसून में तेजी आने की संभावना, सितंबर के अंत तक रहेगा मॉनसून। नगरोटा बगवा में सीएम जयराम ठाकुर ने विधायक अरुण मेहरा को दी सांत्वना, एमएलए की दिवंगत माता को दी श्रद्धांजलि। पिंजौर में बोरी में डाल झाड़ियों में फेंकी नवजात बच्ची, इलाके में सनसनी रोने की आवाज सुन लोगों ने प्रशासन को सौंपी बच्ची। हड़ताल पर निकले परिवहन निगम के पीस मिल वर्कर, एचआरटीसी के कई डिपो में मरम्मत का सारा कामकाज ठप, अनुबंध की कर रहे मांग। सोलन में कोविड मेक शिफ्ट हॉस्पिटल में 6 दिन से चली नर्सेज की हड़ताल खत्म, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने समस्याएं जल्द निपटाने को दिए आदेश। ऊना जिला के बुडूही बाजार में आपस में टकराई 3 गाड़ियां, एक बड़ा सड़क हादसा होने से टला, जाम से लोग यात्री परेशान। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के भूमि अधिग्रहण पर भड़के ग्रामीण, स्थानीय जमीन की खरीद और अधिग्रहण को लेकर नीति पर उठाए सवाल। धर्मशाला ब्लॉक के एक दर्जन पंचायत प्रधान और प्रधानों ने प्रदर्शन कर करवाया पंचायत सचिव का तबादला, सामूहिक इस्तीफे का किया था ऐलान। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग सुंदरनगर की बड़ी कार्रवाई, तरोट गांव में अवैध तरीके से बन रहे भवन निर्माण कार्य स्थल पर दबिश, जब्त किए मजदूरों के औजार। कांगड़ा के नए एसपी डॉक्टर खुशाल शर्मा ने संभाली जिम्मेदारी, कहा नशे पर लगाम लगाने, पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने और बेहतर वातावरण बनाना रहेगी प्राथमिकता। हिमाचल विश्वविद्यालय में हुए घोटाले के मामले पर युवा कांग्रेस ने खोला मोर्चा, प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और देखना ना भूलें 6 बजे हमारा शिमला से विशेष लाइव प्रसारण।